अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन के कोफ्ते। सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया है और इसमें मैं टमाटर, बारीक कटे हुए सब्ज़ मिर्चे और प्याज ऐड कर लिए हैं। अच्छी तरह छोटे छोटे मैंने साइज के काट लिए थे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 2 टीस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, टेस्ट के लिए थोड़ा सा वो भी डाल दिया। अब साथ में इसमें डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला भी बारीक क्रश किया हुआ है, थोड़ा सा डालना है पिंच हमने टेस्ट के लिए। थोड़ी सी इसमें मैंने सूखा धनिया और हल्दी ऐड करूंगी और अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो हाइजेनिक होते हैं। KNN के कोफ्ते मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं कोफ्ते हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाकर हमने फ्रीज़र में लाजमी उनको 30 मिनट्स का रेस्ट देना है, अदरवाइज जब हम उनको ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएंगे। इसीलिए कोफ्ते बनाने के बाद उनको लाजमी फ्रीज़र में 30 मिनट्स आपने रखना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुलेंगे भी नहीं। कोफ्ते हमेशा छोटे साइज़ के बनाने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम। अगर हम बड़े बना लेते हैं तो वो अंदर से एक तो कच्चे रह जाते हैं और अच्छी तरह से ना वो पकते नहीं है, जूसी जूसी टेस्ट नहीं आता। इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते बना लिए और उनको फ्रीज़र में भी 30 मिनट्स का रेस्ट दे दिया है। अब मैं फ्राई पैन में मैंने ऑनियंस डाले हैं उनको फ्राई कर रही हूँ और दूसरी साइड पर मैंने कढ़ाई में कोफ्ते डाल रही हूँ उनको फ्राई करूँगी। इसी तरह थोड़ा टाइम मेरा बच जाएगा। अब मैं प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें मैंने डालना है ज़ीरा, साथ में मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लेने और उनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और कोफ्तों में चम्मच नहीं मारना क्योंकि कोफ्ते टूट जाएंगे। मैं स्पैचुला के साथ इनको भी हिला रही हूँ। प्याज अच्छी तरह से मेरे हो गए हैं। अब मैंने इनको ऑयल जो है इनके अंदर से निकाल लेना है, छान लेना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। इससे यह है कि मसाला बहुत अच्छा बनता है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इनको ग्राइंड कर लिया है। जिस कढ़ाई में कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट, इसमें मैंने अब स्पाइसेस ऐड कर लेनी है डायरेक्ट ऑयल में। ये मैंने सूखा धनिया ऐड किया है। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला और साथ में रेड चिली पाउडर, इसी तरह इसमें हल्दी भी डाल लेंगे और नमक भी। इस तरह से स्पाइसेस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप उनको डायरेक्ट ऑयल में डालते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने वो जो ग्राइंड किया हुआ मटेरियल था वो भी ऐड कर लेना है और इनको अच्छी तरह से मैंने भूनना है। ऑलरेडी ऑयल गर्म है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं क्योंकि ऑयल में भी मैंने इन्हें पकाया था। अच्छी तरह मैं इनको भून रही हूँ। मेरे बच्चों को आलू पसंद है तो मैंने थोड़े से आलू भी इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छी तरह से हल्की आंच पे ये तकरीबन 15 मिनट पक चुके हैं। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चे गार्निश करने के लिए और धनिया डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा लुक आता है और खाने में बहुत मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हैं। मज़ीद इनको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिंच जितना जो है डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको कवर कर लेंगे और 2 मिनट